जैसे कि आज हम आपको इस आई ड्रॉप के उपयोग के बारे में बताएंगे। इस आई ड्रॉप का उपयोग आँख में कौन सी दिक्कत, कौन सी परेशानी हो जाने पर डॉक्टर के द्वारा ये आई ड्रॉप डालने के लिए आँख में दिया जाता है, या फिर आँख में किस प्रकार की दिक्कत, क्या आँख में क्या परेशानी रहती है, तब हम इस आई ड्रॉप का उपयोग कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी आज हम आपको हिंदी में देंगे। इसे कितनी बार कितना डालना है, ये पूरा जानकारी आपको हिंदी में बताएंगे। जैसे कि इसका उपयोग आँख में सूखापन की कमी को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी आँखें अपनी नमी बनाए रखने के लिए पर्याप्त आंसू नहीं बना पाती हैं, या कंप्यूटर के सामने लंबे समय तक बैठने, या फिर दवा या पानी या पर्यावरण की स्थितियों के कारण ये हो सकता है। यह ड्रॉप आपके आँखों को नम करता है और जैसे कि आँखों में सूखापन के कारण होने वाले जलन के साथ हो रहे दर्द को आराम देता है। जैसे कि हमारे आईज में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, डिजनेस फील हो रहा है, या फिर ब्लरनेस की समस्या हो रहा है। कई बार क्या होता है, ड्राइनेस ज़्यादा हो जाता है, लेटर समय ब्लर लगने लगता है। जैसे कि हम फोन चलाते हैं या फिर लैपटॉप चलाते हैं, ज़्यादा टाइम तक चलाते चलाते आपने देखा होगा आँखों में लाली सा पड़ जाता है, वहाँ पर खुजली की समस्या हो जाती है, रेडनेस आ जाता है, ऐसा लगता है उसकी वजह से चिड़चिड़ापन सा हो जाता है। तो इन सब समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये ड्रॉप डालने के लिए आँख में दिया जाता है। अगर आपको ये सब दिक्कत है तो आप ये ड्रॉप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये कोई भी ड्रॉप आप उपयोग करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करके फिर कोई ड्रॉप आप अपने आँख में डालें, क्योंकि ड्राइनेस की कंडीशन में क्या पता आपके आँख में कोई और दिक्कत है कोई, या फिर कोई और परेशानी, या फिर आपके आँख में कोई और समस्या है, तो आप इस ड्रॉप का उपयोग ना करें। इस ड्रॉप के साइड इफ़ेक्ट जान लेते हैं। जैसे कि अगर ये ड्रॉप आप अपनी मर्जी से उपयोग करेंगे तो आपके आँखों में धुंधला दिखाई देगा, आँख से आंसू आ सकता है, रेडनेस की संभावना हो सकती है, वहाँ पर खुजली सा हो सकता है, तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट होता है जो देखने को मिला है। जैसे कि ये ड्रॉप जब डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है तो इसे डालने के लिए 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को डालने के लिए दिया जाता है कि ये ड्रॉप डाल के आप लेट जाएँ, धूप में ना निकलें। लेकिन अगर फिर भी पेशेंट को और कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो डॉक्टर इसे 3 बार भी एडवाइस करते हैं। ये ड्रॉप डाल करके आप धूप में नहीं निकलना है, आपको फ़ोन नहीं चलाना है, टीवी नहीं देखना है, लैपटॉप नहीं यूज करना है। तो ये ड्रॉप डालने के बाद में आप लेट जाएं, लेटते टाइम आप जैसे कि सुबह आप 2 बूंद, फिर शाम को आपको 2 बूंद डालना होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करके फिर कोई दवा आप लें, कोई भी दवा कोई भी ड्रॉप आप अपनी मर्जी से उपयोग ना करें। वीडियो सिर्फ नॉर्मल जानकारी के लिए है।